नमस्कार, खबर अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई गुड़िया गैंगरेप और हत्या मामले में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। जी हां, क्योंकि आज जहां ये मामला हाई कोर्ट में गूंजेगा तो वहीं मामले की गूंज जिला और सत्र न्यायालय में भी सुनाई देगी। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुड़िया प्रकरण में दो अलग अलग मामलों पर एक ही दिन में सुनवाई होगी, जहां सीबीआई प्रदेश उच्च न्यायालय में गुड़िया मामले पर 10वीं सील बंद स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। तो वहीं पुलिस लॉकअप के दौरान हुई आरोपी सूरज की हत्या मामले में न्यायिक हिरासत काट रहे 9 आरोपी पुलिस कर्मियों पर जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। सीबीआई आज सभी आरोपियों को जिला और सत्र न्यायालय में पेश करेगी और न्यायिक हिरासत और बढ़ाने की मांग करेगी। तो बड़ा दिन आज रहने वाला है। दोनों तरफ हाईकोर्ट में भी और जिला सत्र न्यायालय में भी आज अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई होगी और क्या कुछ खास रहेगा इस पर ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शिमला से हमारे संवाददाता उमेश शर्मा। उमेश, आज कितना खास रहने वाला है दिन? खास दिन है, गुड़िया हत्या और जो रेप मामला था उस पर आज स्टेटस रिपोर्ट फाइनल होनी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज कुछ पेचीदा और काफी विभावित मामले का पटाक्षेप कर देगी। इसका आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ये भी खुलासा कर देगी कि गुड़िया के साथ किस तरह का घिनौना अपराध हुआ है, किसने किया है और इसकी और तमाम जो बातें हैं वो आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सब खुलासा कर देगी और जी उसका कहीं ना कहीं आज अंत होता दिखाई देगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज कोई बड़ा फैसला जी बिल्कुल आज बड़ा फैसला आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। उमेश, जिस तरह से पिछली सुनवाई के बाद सीबीआई जो है वो आरोपी को अपने साथ घटनास्थल पर लेकर जाती है, वहां पर घटना की पूरी एक तस्वीर दोबारा एक बनाने की कोशिश की जाती है, तो क्या जो आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी उसमें उस पूरी बात का ब्यौरा होगा? और कहा यह भी गया था कि आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला है। देखिए अमरदीप, जो आरोपी पकड़ा गया है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था सीबीआई के लिए। सीबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये केस और इस केस को सॉल्व करने में सीबीआई को काफी लंबा वक्त लग गया, लगभग 8 महीने का समय लग गया। उस बीच में सीबीआई के ऊपर बड़ा दबाव भी रहा और सीबीआई डायरेक्टर तक को कोर्ट में तलब किया गया था, तो उसी का एक नतीजा माना जा रहा है कि सीबीआई ने काफी गहनता से मामले की जांच की और जो आरोपी पकड़ा है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। उसी के आधार पर सीबीआई आगे बढ़ रही है और आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोर्ट में जब सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी तो उसमें इस मामले का या तो खुलासा हो सकता है या सीबीआई एक बड़ी लीड के साथ कोर्ट को ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी और बहुत जल्दी इस मामले का जो अहम जो बाकी आरोपी है उनको पहुंचने की सीबीआई कोशिश करेगी। अमनदीप जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ आज सूरज जो लॉकअप में सूरज की हत्या हुई थी उस मामले में भी आज सुनवाई होनी है, तो वहाँ कितना आज अहम दिन है सभी आरोपियों के लिए, 9 के 9 आरोपियों के लिए? देखिए मंदिर से जो 9 आरोपी जो एसआईटी के सदस्य थे पुलिस कर्मी उनको लेके भी आज सुनवाई होनी है और जैसे कि पिछले कोर्ट ने कहा था कि इनका जो वॉइस सैंपल लेने हैं, वॉइस सैंपल लेने के बाद जो बाकी प्रक्रिया है उनमें जो आरोपी थे उन आरोपियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ क्या आपराधिक मामले बनते हैं, क्या सीबीआई रिपोर्ट में क्या रिकॉर्ड है, वो मांग उसकी मांग की थी। कोर्ट ने यह ताकीद की गई थी कि 25 तारीख जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल होने के साथ जो इसकी सुनवाई होनी है इससे पहले इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी जब तक कि उन जो कथित आरोपी है उनको उनके जो सीबीआर और बाकी जो तमाम तथ्य है उनकी रिपोर्ट नहीं दी जाती। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो सीबीआई है इनको जो डॉक्यूमेंट देने थे वो डॉक्यूमेंट दे पाई है या नहीं दे पाई है, उसमें विलंब होना, अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए तो इस केस में सुनवाई और हमेशा की तरह आज भी चल जाएगी। जी बिल्कुल, यही जताई जा रही है कि सीबीआई इस मामले में भी अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर चुकी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज उम्मीदें दोनों केसों को लेकर के बरकरार है और देखना होगा कि आज गुड़िया गैंगरेप मामले में स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल करनी है सीबीआई ने उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश।